नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ गुरु में। मैं अनुराग ऋषि और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में। और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की, फिर हम बात करेंगे उस ऑब्जेक्ट की जिसकी वजह से इस कमीशन को लाना पड़ा, उसके बाद हम कवर करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमीशन और लास्ट में हम देखेंगे फंक्शंस एंड पावर ऑफ द कमीशन। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए लॉ गुरु। तो दोस्तों, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW इज द स्टेचुटरी बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जनरली कंसर्न विद एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑन ऑल पॉलिसी मैटर्स अफेक्टिंग वुमेन। इसका मतलब नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW जो है इंडियन गवर्नमेंट की स्टेचुटरी बॉडी है, जिसका जनरली काम क्या होता है, जो इंडियन गवर्नमेंट को वुमेन अफेक्टिंग जितने भी मैटर्स होते हैं उनके बारे में एडवाइज करती है। अब बात करें इस कमीशन के इस्टेब्लिशमेंट की, सो इट वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन 31 जनवरी 1992 अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज डिफाइंड इन द 1990 नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट। इसका मतलब जो कमीशन है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसको जो इस्टेब्लिश किया गया था वो 31 जनवरी 1992 को किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के हिसाब से, जो कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 में डिफाइन किए गए हैं। अब बात करते हैं कि इस कमीशन के ऑब्जेक्ट क्या थे या वो कौन से ऑब्जेक्ट थे जिसकी वजह से इस कमीशन को लाना पड़ा। द ऑब्जेक्ट ऑफ द NCW इज टू रिप्रेजेंट द राइट्स ऑफ वुमेन इन इंडिया एंड टू प्रोवाइड अ वॉइस फॉर देयर इश्यूज एंड कंसर्न्स। यानी कि इस कमीशन का जो मेन ऑब्जेक्ट था वो इंडियन वुमेन के जो भी राइट्स थे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए था, और साथ ही साथ उनके जो भी इश्यूज थे या जो उनके कंसर्न्स थे उनको आवाज़ देने के लिए, उनको ये कहें मजबूती देने के लिए इस कमीशन को लाना पड़ा। अब वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, वो कौन कौन से इश्यूज हैं जिन पे ये कमीशन काम करती है, सो डोरीज रिलेटेड मैटर, पॉलिटिक्स, रिलीजियन, इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर वुमेन इन जॉब्स एंड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन फॉर लेबर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमीशन। तो कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है, पहले पॉइंट में बात करेंगे। इसमें एक चेयरपर्सन होता है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। फिर इसमें बताया जाता है कि इसमें 5 और मेंबर्स होते हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, उनकी एबिलिटी, इंटीग्रिटी और उनकी लॉ और लेजिस्लेशन की एक्सपीरियंस के बिहाव पर। और लास्ट में इसमें एक मेंबर सेक्रेटरी होता है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, और जो कि मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, सोशियोलॉजिकल मोमेंट में एक्सपर्ट होना चाहिए या फिर ऑफिसर होना चाहिए सिविल सर्विसेज का, ऑल इंडिया सर्विसेज का या सिविल पोस्ट जिसने होल्ड कर रखी हो। तो दोस्तों, अब चलते हैं लास्ट पॉइंट ऑफ द वीडियो, यानी कि फंक्शंस एंड पावर ऑफ NCW। तो पहला पॉइंट है इन्वेस्टिगेट एंड एग्जामिन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड फॉर वुमेन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर लॉज। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या किसी अदर लॉ के द्वारा जो भी सेफगार्ड प्रोवाइड किए गए हैं वुमेन्स को, उन सेफगार्ड्स को, उन मैटर्स को एग्जामिन करने का, इन्वेस्टिगेट करने की ड्यूटी या ये कहें पावर जो है वो NCW की है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, रिव्यू फ्रॉम टाइम टू टाइम द एग्जिटिंग प्रोविजनल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर लॉज इफेक्टिंग वुमेन। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा या किसी अदर लॉ के द्वारा जो भी प्रोविजन है जो वुमेन को अफेक्ट करते हैं, उन प्रोविजन को टाइम टू टाइम रिव्यू करने की पावर भी NCW की है। बात करें अगली पावर की, कॉल फॉर स्पेशल स्टडीज़ और इन्वेस्टिगेशंस इनटू स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स और सिचुएशन अराइजिंग आउट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। यानी कि महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार या भेदभाव को लेकर कोई भी प्रॉब्लम अगर सामने आती है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाना, उस पर स्टडी करने की पावर भी NCW की है। पार्टिसिपेट एंड एडवाइज ऑन द प्लानिंग प्रोसेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ वुमेन। महिलाओं से संबंधित सामाजिक आर्थिक विकास की बात करनी हो, उस पर एडवाइस देना हो, उस पर पार्टिसिपेट लेना हो, वो सारे फंक्शंस या वो सारे पावर्स भी NCW के पास में है। और NCW के पास में एक खास पावर भी है जिसमें वो किसी भी जेल में जाकर विजिट कर सकती हैं, किसी भी रिमांड होम में जाकर विजिट कर सकती हैं, किसी भी वुमेन्स इंस्टीट्यूशन में जाकर विजिट कर सकती हैं, या ऐसा कोई प्लेस जहाँ पर वुमेन को कस्टडी में रखा जाता है उन प्लेसेस पर जाकर
उन प्लेसेस की विजिट कर सकती हैं महिलाओं की सिचुएशन को देखने के लिए। और साथ ही साथ इसमें लास्ट पॉइंट है, एनी अदर मैटर्स विच मे बी रेफर्ड टू इट बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी मैटर्स इसे रेफर किए जाएंगे उनको भी डील करने की पावर्स या उनको भी डील करने के फंक्शंस NCW के हैं। तो दोस्तों ये थी वीडियो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी कि NCW पर। अपनी इस वीडियो के नोट्स का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके उन नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं ताकि कि आपको समझने में और भी आसानी हो। अपनी अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई परेशानी है तो हमें मेल करें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।